हेलो एवरीवन, वेलकम टू तेजस करियर एकेडमी। गाइस, आज है 21 जुलाई और आज हम देखने वाले हैं हम करेंट अफेयर के सारे क्वेश्चंस को। आगे बढ़ेंगे लेकिन आज आपको एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी है। वो इन्फॉर्मेशन क्या है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर तेजस आईएएस ऐप, ध्यान रखेंगे, तेजस आईएएस ऐप, आप इस ऐप को डाउनलोड कर लेंगे। हम यहाँ पर ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में टेस्ट सीरीज कंडक्ट कराते हैं। तो जो बच्चे यहाँ पर हमसे कनेक्ट हो पा रहे हैं वो तो ऑफलाइन दे सकते हैं, लेकिन जिन बच्चों को ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के रिगार्डिंग यहाँ पर अगर आपको कुछ हेल्प चाहिए तो आप हमारे तेजस आईएएस ऐप को जाकर के प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हो। तेजस आईएएस ऐप आप जाकर के प्ले स्टोर में सर्च करना, आप डाउनलोड कर लेना। वहाँ पे आपको फ्री पीडीएफ्स भी मिलेंगे, जितने भी हमारे करंट अफेयर होते हैं इसके फ्री पीडीएफ आपको वहाँ पे अवेलेबल मिलेंगे। साथ ही कुछ डेमोज वीडियोज वहाँ पे आपके काम की चीज़ें हैं, आप वहाँ से उन चीज़ों को देख सकते हो। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस एपिसोड का। सबसे पहला क्वेश्चन है, राज्य में जैविक खेती को बढ़ावा देने हेतु महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली महिला स्वयं सहायता समूहों को प्रति किलो कंपोस्ट विक्रय पर कितने रुपए बोनस तय की गई है। तो ध्यान रखिएगा, हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने अपनी मनसा इच्छा जाहिर की थी कि जितने भी महिला स्वयं सहायता समूह हैं उनको कुछ बोनस दिया जाए। और ये बोनस क्या रहेगा, तो गौठानों से अगर हम बात करें तो गोबर द्वारा निर्मित जितने भी कंपोस्ट खाद हैं इसके ऊपर बोनस देने की बात कही गई है। तो गाइस ध्यान रखेंगे, महिला स्वयं सहायता की अगर हम बात करूं, स्व सहायता समूह की अगर हम बात करें, तो स्व सहायता समूह के लिए ये जो है यहाँ पे ₹1 प्रति किलो डिसाइड किया गया है बोनस महिला स्वयं सहायता समूह को। साथ ही साथ सहकारी समितियों की अगर हम बात करें, सहकारी समितियां अगर सेल करती हैं यानी विक्रय करती है तो सहकारी समितियों के लिए 10 पैसे प्रति किलो, याद रखिएगा 10 पैसे प्रति केजी के दर से बोनस दिया जाएगा सहकारी समितियों को। और ये घोषणा मुख्यमंत्री के इच्छा के बाद की गई, यानी कि मुख्यमंत्री ने अपनी मनसा जताई थी कि बोनस दिया जाएगा, तो इसके ऊपर जो भी विभाग संबंधित इससे विभाग हैं उन्होंने निर्णय लिया है कि महिला स्वयं सहायता समूह को ₹1 प्रति किलो बोनस और सहकारी समितियों को 10 पैसे प्रति किलो बोनस दिया जाएगा। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में राज्य सरकार द्वारा न्यूट्रिशन केयर प्रोग्राम, ध्यान से देखेंगे, हाल ही में राज्य सरकार द्वारा न्यूट्रिशन केयर प्रोग्राम कितने जिलों में शुरू किया गया। तो न्यूट्रिशन केयर प्रोग्राम की अगर हम बात करें तो केयर प्रोग्राम किसके साथ हो रहा है, महिला एवं बाल विकास, ध्यान रखिएगा, राज्य के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, किसके सहयोग से चला रही है, तो ध्यान रखिएगा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय यूनिसेफ की मदद से, याद रखेंगे यूनिसेफ की मदद से। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर है फ्रांस की राजधानी पेरिस में और ये एक यूनाइटेड नेशन की संस्था है, इंस्टीट्यूशन है। तो यूनिसेफ की मदद से महिला एवं बाल विकास मंत्रालय छत्तीसगढ़ ये न्यूट्रिशन केयर प्रोग्राम चलाई जा रही है। कहाँ पे, तो छत्तीसगढ़ राज्य के 10 जिलों में। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर आपका होगा बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राज्य के किस इंजीनियरिंग कॉलेज का नाम बदल करके झाड़ा सिरहा इंजीनियरिंग कॉलेज कर दिया गया है। तो ध्यान रखेंगे गाइस, झाड़ा सिरहा इंजीनियरिंग कॉलेज कौशल विकास तकनीकी शिक्षा मंत्रालय द्वारा जगदलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज की अगर हम बात करें तो इंजीनियरिंग कॉलेज का नाम बदल दिया गया है और इनका नाम कर दिया गया झाड़ा सिरहा इंजीनियरिंग कॉलेज। तो पहले क्या था, जीईसी यानी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज जगदलपुर, उसके बाद अब हो गया झाड़ा सिरहा इंजीनियरिंग कॉलेज जगदलपुर। ठीक है, झाड़ा सिरहा इंजीनियरिंग कॉलेज जगदलपुर, तो करेक्ट ऑप्शन आपका यहां पर होगा सी। चलिए आगे बढ़े चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। छत्तीसगढ़ राज्य एनआरआई सेल का समन्वयक यानी कोऑर्डिनेटर किसे बनाया गया है। अब ये एनआरआई सेल है क्या, तो ध्यान रखिएगा, जितने भी भारतीय प्रवासी छत्तीसगढ़ के जितने भी भारतीय प्रवासी विदेशों में रहने वाले इनके साथ राज्य की संस्कृति एवं कला, याद रखिएगा संस्कृति एवं कला के साथ साथ जुड़ाव, संस्कृति और कला के साथ साथ भारत के लोगों से यानी छत्तीसगढ़ के लोगों से जुड़ाव के हेतु, यानी छत्तीसगढ़ के जितने भी लोग फॉरेन में रह रहे हैं उनके जुड़ाव के लिए, साथ ही साथ कल्चर वगैरह के लिए, कल्चर का एक्सचेंज के लिए
कल्चर को जानने के लिए, छत्तीसगढ़ की संस्कृति को देखने के लिए यहां पर एनआरआई सेल का गठन किया गया है। और एनआरआई सेल के चेयरमैन की अगर हम सॉरी कोऑर्डिनेटर की अगर हम बात करें तो श्री पल्लव शाह जी को बनाया गया है। पल्लव शाह जी कौन है तो हाल में अगर हम बात करें तो पल्लव शाह जी बोस्टन में निवास करते हैं और बेसिकली छत्तीसगढ़ में कोरबा से बिलोंग करते हैं। याद रखिएगा, कोरबा से बिलोंग करते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर हो गया आपका सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। छत्तीसगढ़ के हाई कोर्ट में, ध्यान दीजिएगा, छत्तीसगढ़ के हाई कोर्ट में नए जजों की नियुक्ति कितनी की जाएगी, कितने नए जजों की नियुक्ति की जाएगी। तो याद रखिएगा, यहां पर हाई कोर्ट की अगर हम बात करें, छत्तीसगढ़ में अगर हम बात करें, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में अगर हम बात करें तो टोटल जो स्वीकृत पद है, स्वीकृत पदों की अगर हम बात करें, स्वीकृत पदों की अगर हम बात करें तो ये है आपका 22। फिलहाल कितने हैं वर्तमान में है, यहां पर वर्तमान की अगर हम बात करें तो वर्तमान में 12 है, लेकिन जैसे ही दो नए जजों की नियुक्ति हो जाएगी तो नियुक्ति के बाद, ध्यान रखिएगा, नियुक्ति के बाद की अगर हम बात करें तो नियुक्ति के बाद ये वाली जो चीजें हैं यहां पर हो जाएंगी 14 जज हो जाएंगे। अब ये दो लोग हैं कौन, तो एक आप याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ में अगर हम बात करें तो बार एसोसिएशन के सचिव और दूसरे व्यक्ति हैं जिला एवं सत्र न्यायाधीश बिलासपुर के राधा कृष्ण अग्रवाल। ठीक है, तो इन दो लोगों को राज्य के हाईकोर्ट में नियुक्ति दी जाएगी, पदस्थापना दी जाएगी। क्लियर रहेगा, तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर है आपका ए। चलिए क्वेश्चन है, देश की सबसे बड़ी कोयला उत्पादक कंपनी ACCL, देश की सबसे बड़ी कोयला उत्पादक कंपनी ACCL ने पहला पावर प्लांट कहां लगाया है। तो ध्यान रखिएगा, ACCL साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, ठीक है, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, इन्होंने अमरकंटक की कैपेसिटी कितनी है, इसकी इस प्लांट की कैपेसिटी कितनी है, तो 660 मेगावाट। और क्या है यहाँ पे, सुपर क्रिटिकल टेक्निक, ठीक है, क्या है, SCMT सुपर क्रिटिकल टेक्निक के द्वारा यहाँ पर, जिससे इसमें सुपर क्रिटिकल टेक्निक में होता क्या है कि पानी की आवश्यकता कम पड़ती है, यानी वाटर रिक्वायरमेंट जो है वो कम पड़ती है, और इसके द्वारा ये एक थर्मल पावर प्लांट बनाया। तो ध्यान रखिएगा, थर्मल पावर प्लांट कहाँ बनाया जाएगा, अमरकंटक। इसमें और कौन शामिल होगा, तो मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो अमरकंटक में जो बनाया जा रहा है, तो सहयोग कौन करेगा, किसके साथ कोलैबोरेशन होगा, तो मध्य प्रदेश स्टेट पावर जनरेशन के साथ। क्लियर रहेगा, तो करेक्ट ऑप्शन है आपका बी। दूसरी चीज आप यहां पर ध्यान दीजिएगा, लेमरू जो है यहां पे एलिफेंट रिजर्व है। क्या है, एलिफेंट रिजर्व, याद रखिएगा, एलिफेंट रिजर्व कहां पे है, तो लेमरू का जो एरिया है एलिफेंट रिजर्व का, एक्चुअली में अगर आप देखेंगे एक्चुअल लोकेशन इसका कोरबा है, बट इसमें जसपुर सरगुजा और कोरबा तीनों वनमंडल आते हैं, सरगुजा और कोरबा तीनों वनमंडल आ जाते हैं। क्लियर रहेगा, तीनों वनमंडल इसमें शामिल हो जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राज्य के किस जिले में धान म्यूजियम बनाया जाएगा। अब धान म्यूजियम में होगा क्या, तो ध्यान रखिएगा, 24,000 किस्मों के धान जो हैं उनको सुरक्षित किया जाएगा, धान को सुरक्षित किया जाएगा। और इन 24,000 किस्मों की अगर हम बात करें, जिसमें से 16,700 किस्म के धानों का डीएनए फिंगर प्रिंटिंग कर दी गई है और इस डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के साथ साथ कोडिंग की गई है, और कोडिंग को देख करके किसान जो है बहुत ही सरलता से उन्नत किस्म के बीज को यहां से कलेक्ट कर सकते हैं। क्लियर रहेगा, तो ये कहां पे किया गया है, ये रायपुर जिले में किया गया है, और रायपुर जिले में IGKV इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में किया गया। IGKV राज्य का पहला और सबसे बड़ा धान की अगर हम बात करें तो धान का म्यूजियम, पैडी म्यूजियम यहां पर बनाया गया है। क्लियर रहेगा, चलिए तो करेक्ट ऑप्शन है यहां पर आपका सी। दूसरा क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य पावर जनरेशन कंपनी ने देश भर के स्टेट पावर सेक्टर में कौन सा स्थान प्राप्त किया है। तो ध्यान रखिएगा, 33 स्टेट पावर सेक्टर की अगर हम बात करें
पावर सेक्टर में, देश भर के 33 स्टेट पावर सेक्टर इसमें भाग लिए थे इस रैंकिंग में। और इसमें अगर हम बात करूं तो ये सर्वे के बाद छत्तीसगढ़ राज्य का पावर जनरेशन अगर हम करें, इस छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन में छत्तीसगढ़ का रैंकिंग है फोर्थ। याद रखिएगा छत्तीसगढ़ की रैंकिंग है फोर्थ। अब यहां पर देखें एक चीज आपको टेक्निकल टर्म याद रखना होगा, PLF यानी प्लांट लोड फैक्टर। ध्यान दीजिएगा प्लांट लोड फैक्टर जो है कितना परमिसिबल लिमिट है जनरेशन की उसके कंसिडरेशन में, यानी कि जो पावर प्लांट की इफिशियंसी है उसके कंपैरिजन में कितना जनरेशन इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हो रही है, इस बात को यहां पे डिसाइड किया जाता है प्लांट लोड फैक्टर से। ठीक है, प्लांट लोड फैक्टर से। अब यहां पर छत्तीसगढ़ के प्लांट लोड फैक्टर जो है वो 40 है, 7.4। और अगर हम पूरे देश के स्टेट पावर सेक्टर की अगर बात करें तो पूरे इंडिया में औसत जो है स्टेट पावर सेक्टर का, इंडिया में एवरेज की अगर हम बात करें तो ये है 58.5%। क्लियर। तो अब आपसे पूछा गया था कि स्टेट पावर सेक्टर में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है, तो छत्तीसगढ़ का फोर्थ रैंक है। कौन सा रैंक है? फोर्थ रैंक है। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा FGR पोर्टल किस राज्य में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लॉन्च किया गया है? सबसे पहले समझना है कि ये FGR पोर्टल है क्या। ध्यान दीजिएगा फसल बीमा के लिए, फसल बीमा से जितनी भी शिकायतें आती हैं, जैसे किसानों को फसल बीमा दिया जाता है, कोई किसान को किसी भी, मैक्सिमम किसान ऐसे होंगे जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन कुछ किसान ऐसे भी होंगे जिनको इस लोन के लिए फसल बीमा के दौरान कोई प्रॉब्लम आती होगी, शिकायत होगी उनकी। तो जितने भी फार्मर ग्रेवियंस, अगर हम देखिए यहां पर फार्मर ग्रेवियंस रिड्रेसल पोर्टल यानी कि शिकायत का निराकरण हेतु फसल बीमा से जुड़े जितने भी किसान हैं उनके शिकायत के निराकरण हेतु यहां पर केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा FGR पोर्टल को बनाया गया है। और FGR पोर्टल की अगर हम बात करें तो पायलट प्रोजेक्ट के रूप में छत्तीसगढ़ में लॉन्च किया गया, क्लियर रहेगा। तो करेक्ट आंसर है आपका ए। आगे बढ़े चलिए, क्वेश्चन है शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता लाने हेतु राज्य सरकार द्वारा कौन सी योजना लाने का निर्णय लिया गया है, तो ध्यान रखेंगे गाइस, शिक्षा में गुणवत्ता के लिए राज्य सरकार ये प्लान कर रही है कि हम दो या दो से अधिक स्कूलों को एक साथ कोलैबोरेट करें। कोलैबोरेशन का मतलब क्या हुआ, तो ध्यान दीजिएगा यहां पर दो या दो से अधिक स्कूलों की, अगर मान लीजिए कहीं पे किसी स्कूल में लाइब्रेरी की अच्छी सुविधा है, दूसरे स्कूल में मान लीजिए वहां पर जो भी बुनियादी सुविधाएं हैं लाइक वहां पे इलेक्ट्रिसिटी, फैन, बच्चों के लिए ज्यादा से ज्यादा मिड डे मील वाली चीजें हैं, ये सारी चीजें अगर वहां पे कुपोषण से बचाने के लिए कुछ प्रोग्राम चल रहा है, तो अगर आप इन दो स्कूलों को एक साथ मर्ज कर देंगे तो मेन क्या है यहां पर, ट्यूनिंग ऑफ स्कूल। तो ध्यान दीजिएगा ट्यूनिंग ऑफ स्कूल योजना लाने का प्लान कर रही है राज्य सरकार। इससे क्या होगा कि जितने भी स्कूल हैं दो दो तीन तीन स्कूल का एक ग्रुप बना दिया जाएगा और तीन स्कूल आपस में संसाधनों का उपयोग कर पाएंगे। जो भी विद्यालय में संसाधन है, लाइब्रेरी है तो लाइब्रेरी का, एक विद्यालय में लाइब्रेरी है, रिमेनिंग में दो नहीं है, तो रिमेनिंग दो स्कूल के स्टूडेंट जो है वहां लाइब्रेरी से बुक इशू करा करके पढ़ सकते हैं, लाइब्रेरी जा सकते हैं। मान लीजिए कहीं पे कंप्यूटर ट्रेनिंग हो रही है, कंप्यूटर की सुविधा दी गई है, तो किसी एक स्कूल में यहां पे कंप्यूटर है तो रिमेनिंग दो वहां जाके कंप्यूटर सीख सकते हैं। इसके लिए ट्यूनिंग ऑफ स्कूल नाम की योजना चलाई जाएगी छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन है नई दिल्ली में आयोजित बिम्स्टेक, ध्यान दीजिएगा नई दिल्ली में आयोजित बिम्स्टेक विशेषज्ञ समूह बैठक 2022 का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो बिम्स्टेक में अगर हम बात करें, बिम्स्टेक विशेषज्ञ समूह का दिल्ली में बैठक हुआ था, न्यू दिल्ली में बैठक हुआ था और न्यू दिल्ली में बैठक में यहां पर साइबर सुरक्षा को लेकर के, याद रखिएगा साइबर सुरक्षा सहयोग को लेकर के कोऑर्डिनेशन के लिए यहां पर यह बैठक की गई। और इसमें अध्यक्षता किसने की, चेयरपर्सन कौन था, चेयरमैन थे भारत के नेशनल राष्ट्रीय, अगर हम बात करें राष्ट्रीय सुरक्षा सहयोग के
समन्वयक, राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर भारतीय सुरक्षा साइबर सुरक्षा सेल की अगर हम बात करें तो कोऑर्डिनेटर लेफ्टिनेंट जनरल राजेश पंत। कौन? लेफ्टिनेंट जनरल राजेश पंत। राजेश पंत ने इसकी अध्यक्षता की। और साथ ही साथ ये निर्णय लिया गया कि जितने भी बिम्स्टेक के समूह हैं, समूह के जितने भी देश हैं, इस समूह के देशों में साइबर सुरक्षा को लेकर के हम एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करेंगे और साइबर सुरक्षा के लेकर के जितनी चिंताएं हैं हमारी, हम उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। क्लियर रहेगा? तो करेक्ट ऑप्शन है आपका सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। दुनिया के सबसे अच्छे जगहों में, ध्यान दीजिएगा, दुनिया के सबसे अच्छे जगहों में प्रवासियों के लिए कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? यह आपसे पूछा गया है। तो अब आप इसको आंसर करेंगे कि कौन सा देश नंबर वन पे रहा है। तो अब देखिए, यहां पर अगर हम बात करें दुनिया के अच्छी जगहों में प्रवासियों के लिए, जो भी बाहर से जाकर के रहते हैं, तो उसके लिए अगर हम बात करें इंसाइडर रैंकिंग जारी की गई है। इस रैंकिंग में मैक्सिको जो है वो नंबर वन पे है। क्या है? मैक्सिको जो है वो नंबर वन पे है। और ये सर्वे जो है 52 देशों में कंडक्ट कराया गया था। यानी 52 देशों को यहां शामिल किया गया था और इन 52 देशों में से मैक्सिको जो है ये नंबर वन पे है। अब बात आती है कि भारत का स्टैंड क्या है यहां पर, यानी इंडिया का किस तरीके से यहां पर सिचुएशन है, इंडिया किस रैंकिंग पे आती है। तो गाइस, इन 52 में से इंडिया के लिए जो इंटरेस्टेड हैं लोग, इंडिया आती है 36th रैंक पे। और सबसे वर्स्ट कंडीशन अगर हम बात करें, तो इस रैंकिंग में अलग अलग यहां पर देखने को मिलेगा। कैसे? ध्यान दीजिएगा, सबसे यहां पे 52 में हुआ था, 52 देशों में यह सर्वे कराया गया, तो कुवैत जो है वो सबसे लास्ट में है, 52nd है। उसके बाद न्यूजीलैंड की अगर हम बात करें तो न्यूजीलैंड 51st है, न्यूजीलैंड में 51st रैंक मिली है। क्लियर रहेगा? 51st रैंक मिली है न्यूजीलैंड को। तो नंबर वन की बात की गई थी, तो नंबर वन में कौन आ रहा है आपका? मैक्सिको की बात आ रही है। क्लियर रहेगा? उसके बाद रैंकिंग में अगर हम देखें तो मैक्सिको के बाद लोगों ने इंडोनेशिया को पसंद किया है सेकेंड नंबर पे। इंडोनेशिया की अगर हम बात करें तो सेकंड नंबर पे इंडोनेशिया को पसंद किया है और ताइवान को पसंद किया है थर्ड नंबर में। तीसरी रैंकिंग मिली है ताइवान को। क्लियर रहेगा? चलिए, तो करेक्ट ऑप्शन होता है आपका यहां पर डी। करेक्ट ऑप्शन होगा आपका डी। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। भारत में किसी राज्य ने, ध्यान दीजिएगा, भारत में किस राज्य ने, यहां पर किस राज्य होगा, किस राज्य ने अपनी इंटरनेट सेवा बहाल की है? तो ध्यान रखिएगा, केरल ने अपनी इंटरनेट सेवा बहाल की है और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? 20 लाख गरीबों को, राज्य के 20 लाख गरीबों को, गरीब परिवारों को फ्री वाईफाई सुविधा प्रोवाइड करना, इंटरनेट में फ्री वाईफाई सुविधा दी जाएगी। इसके लिए राज्य के कैबिनेट ने 1000 से ज्यादा करोड़ रुपए इस पर खर्च कर चुकी है। साथ ही साथ दूर संचार मंत्रालय की अगर हम बात करें, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर भारतीय सरकार, केंद्र सरकार के द्वारा लाइसेंस दिया गया है। इसको केबल ऑप्टिकल फाइबर कंपनी को। क्लियर रहेगा? चलिए, तो करेक्ट ऑप्शन है आपका यहां पर ए। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। बैडमिंटन टूर्नामेंट सिंगापुर ओपन 2022 में महिला सिंगल्स, ध्यान दीजिएगा, महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता या किसे मिला? तो महिला सिंगल्स की अगर हम बात करें तो पीवी सिंधु को मिला है। और जब यहां पे बात आ जाएगी महिला डबल्स की अगर हम बात करें तो डबल्स किसको मिला है? डबल्स मिला है इंडोनेशिया को। ध्यान रखिएगा, इंडोनेशिया को। और ये इंडोनेशिया कौन है? तो एक है आपका यहां पर अपरियाना और साथ ही साथ सिल्वा रामदंथी। ये है इंडोनेशिया की प्लेयर। इन दोनों को डबल्स के लिए मिला है, सिंगल्स के लिए मिला है पीवी सिंधु को। और अगर हम मिक्स्ड में थाईलैंड जीता है। कौन सा? थाईलैंड। क्लियर रहेगा? थाईलैंड।
तो यहां करेक्ट ऑप्शन बनता है आपका सी, पीवी सिंधु। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक सूचकांक, ध्यान से देखिएगा, अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक सूचकांक में भारत किस पायदान पर है, भारत किस पायदान पर, यानी कि भारत की रैंकिंग के बारे में आपसे पूछा गया है, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक सूचकांक में भारत की रैंकिंग क्या है, तो गाइस ध्यान रखिएगा, भारत की जो रैंकिंग है यहाँ पे 43 है। कौन सी है? 43rd रैंकिंग है भारत की, 43वां रैंक है भारत का। अब नंबर वन पे कौन रहा, नंबर टू पे कौन रहा, बताइए बौद्धिक सूचकांक में किसके द्वारा जारी किया गया है? तो ये आपका ग्लोबल, अगर हम बात करें चेंबर ऑफ कॉमर्स, चेंबर ऑफ कॉमर्स ग्लोबल, चेंबर ऑफ कॉमर्स ग्लोबल, ग्लोबल इंडेक्स यहां पे इशू किया है, और इसके द्वारा यहां भारत की जो रैंकिंग है वो है 43। नंबर वन पे है यूएसए, नंबर टू पे है यूके, नंबर थ्री पर है जर्मनी, जर्मनी, उसके बाद नंबर फोर पे अगर हम बात करते हैं तो नंबर फोर पे है आपका स्वीडन, स्वीडन, और नंबर फाइव पे है आपका फ्रांस। ये टॉप फाइव कंट्रीज हैं, इंडिया की रैंकिंग 43। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर हो जाएगा आपका। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलिए ये था आज का एपिसोड। अब आपकी बारी है क्वेश्चन की। आज का क्वेश्चन है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि आईआईटी, इंडिया का जो टॉप मोस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज है, टॉप क्लास की इंजीनियरिंग कॉलेज है आईआईटी, हाल ही में ये डिसीजन लिया है कि हम ऑफशोर यानी कि विदेश में, भारत के बाहर अपनी एक शाखा खोलेंगे, ब्रांच खोलेंगे, आईआईटी कॉलेज स्थापित किया जाएगा। और यह निर्णय किस देश में खोलने के लिए लिया गया है, यह आपका क्वेश्चन है। आईआईटी का भारत के बाहर पहला कैंपस कौन से कंट्री में, कौन से देश में खोला जाएगा, यह है आपका क्वेश्चन। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। हम बहुत ही जल्द मिलेंगे एक नए एपिसोड में। चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, साथ ही साथ तेजस आईएएस ऐप डाउनलोड कर लीजिए जहां से आपको इस सेशन का पीडीएफ मिलता है बहुत ही ज्यादा इजीली तरीके से। क्लियर, आप वहां पे देखें कि और कौन कौन सी चीजें आपके काम की है। साथ ही साथ बहुत ही जल्द हम लोग एक टेस्ट सीरीज लॉन्च करने वाले हैं सीजीपीएससी के लिए स्पेशली, उसमें आपको अलग अलग चीजों की, सारी चीजों की टेस्ट मिलेंगी, जिसमें हम डिजाइन करेंगे टेस्ट को इस तरीके से जहां पे आपका टॉपिक वाइज और रिसेंट टू इयर्स से जो हमें देखने को मिल रहा है पैटर्न चेंजिंग, तो पैटर्न बदलते हुए पाठ्यक्रम के आधार पर जो पैटर्न चेंज हो रहा है हमारा, सिलेबस जो चेंज हो रहा है उसके आधार पर, ठीक है, किस तरीके से पैटर्न चेंज हो रहा है, चीजों को किस तरीके से इंक्लूड किया जा रहा है पेपर में, इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग एक टेस्ट सीरीज डिजाइन किया है, आप वहां पर देख सकते हैं, बहुत ही जल्द आपको अवेलेबल होगा। लेकिन उससे पहले आप तेजस आईएएस ऐप गूगल प्ले स्टोर से जाकर के डाउनलोड कर लीजिए। ओके, तो मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट एक नए एपिसोड में। थैंक यू सो मच।